सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज व माई एफएम की संयुक्त टीम द्वारा दुर्ग स्थित खालसा पब्लिक स्कूल में भी ब्रेन ऑफ सिटी का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। कक्षा नौवीं से कक्षा बारहवीं तक के विद्यार्थियों के आत्म आकलन के लिए अंचल के ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थान सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज व साथ ही माई एफएम द्वारा ब्रेन ऑफ सिटी एग्जाम कंडक्ट कराया गया। यह नॉलेज पार्टनर की भूमिका में सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज की टीम व साथ ही माई एफएम की टीम दुर्ग खालसा स्कूल पहुंची। आरजे नेहा ने विद्यार्थियों से एग्जाम को लेकर सवाल पूछा, वहीं उनका उत्साहवर्धन भी किया। माई एफएम से आरजे नेहा आपके साथ हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं आपको भिलाई से लाइव सुनाई दे रही हूं, क्योंकि हम लेकर के आए हैं ब्रेन ऑफ सिटी भिलाई के लिए और इस समय हम पहुंचे हुए हैं केपीएस दुर्ग में और यहां के स्टूडेंट्स जो कि सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज जो कि हमारे नॉलेज पार्टनर हैं और इनके साथ ब्रेन ऑफ सिटी के एग्जाम में कम्पीट करने के लिए तैयार हैं। सो आप लोगों के पास ऑलरेडी यू नो आंसर शीट पहुँच चुकी है, क्वेश्चन पेपर पहुँच चुके हैं, बट वॉट डू यू थिंक यार, मतलब दो साल बाद ऑफलाइन एग्जाम देना कैसा सा फील हो रहा है? डर लग रहा है? No ma'am, we are not afraid. Actually, it is boosting our confidence and intelligence. Superb, superb. Okay. So what do you think यार, मतलब कितना difference एक feel हो रहा होगा? I'm sure online examination and offline examination. What do you think? What is the basic difference? और तुम्हें ज़्यादा क्या पसंद है, सच्ची सच्ची बताना। Offline exam actually. Offline? Yeah. Are you sure? Yes, I. क्योंकि online में तो आप chill कर सकते थे ना, तब भी online मतलब offline ही पसंद है? ठीक है। सो देखो ऐसा है कि इसमें जो आप लोग कौन सी क्लास से हैं वैसे? आई एम फ्रॉम क्लास 11th. 11th है? एंड आई एम 12th. 12th, ओके। सो 11th वालों के पास 10th के क्वेश्चंस मेजरली आने वाले हैं, 12th वालों के पास 11th के क्वेश्चन आने वाले हैं। सो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा कि आपका बेस जो है प्रीवियस ईयर का वो कितना स्ट्रांग है और आप कहीं ना कहीं फोकस कर पाओगे फॉर द फ्यूचर? यस मैम, अगर 10th का बेस क्लियर है तो 11th का अल्टीमेटली बेस क्लियर होगा, जिससे हमें फ्यूचर में हेल्प मिलेगी। सेम एज हर, सेम है। ओके देन, सो ऑल द वेरी बेस्ट गर्ल्स। आई एम श्योर जो 94.3 माई एफएम लेकर के आया है ब्रेन ऑफ सिटी वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा और जो बेस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स होंगे उन्हें मिलेंगे बम्पर प्राइजेस माई एफएम टीम की तरफ से। सो यस, आप अपने एग्जाम्स के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। तो वहीं खालसा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने इस पहल के लिए सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज व माय एफएम का आभार जताया। आई एम प्रिंसिपल ऑफ खालसा पब्लिक स्कूल दुर्ग लखविंदर कौर वालिया एंड आई एम हियर सिंस लास्ट ईयर इटसेल्फ एज अ प्रिंसिपल एंड जॉइन हियर एंड व्हेन आई केम हियर मैंने देखा कि उस समय तो कोविड सीजन वाज देयर जी और बच्चे सब अपने घरों से ऑनलाइन क्लासेस दे वर टेकिंग एंड नो डाउट एज यू नो वेरी नाइसली कि ऑनलाइन का इम्पैक्ट इतना अच्छा होता ही नहीं है जितना कि ऑफलाइन क्लासेस होता है एंड नाउ द टाइम इज देयर कि हमारे सारे बच्चे पूरी की पूरी स्ट्रेंथ 95-97% of the students daily they used to come to school and really they were missing it a lot. They all were packed totally in their houses. They were controlled. जो अपन ने अभी इंडिपेंडेंस डे अपन ने मनाया 75th 76 में हम ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हुए हैं उसमें द स्टूडेंट्स वेर दैट मच एक्साइटेड एंड दे केम टू नो समय इन द स्पीच ऑल्सो एंड ऑल दैट ऑल्सो वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अ बिट विद द स्टूडेंट्स एंड रियली नाउ दे केम टू नो व्हाट इज इंडिपेंडेंट इंडिया और क्या ज़रूरी है हमारे को, क्यों ज़रूरी है इंडिपेंडेंस हमारे लिए ज़रूरी है। अब जबकि उनको हालांकि दे वेर हैविंग ऑल द राइट्स, दे वेर सिटिंग इन देयर हाउसेज, दे वेर इंजॉइंग द टी वीज, एवरीथिंग दे वेर हैविंग, कंप्यूटर्स हैं, हाँ अपने मोबाइल्स हैं, ऑल द टेक्नोलॉजीज विद दे वेर हैविंग, लेकिन उसके बावजूद भी दे वेर टोटली लॉक्ड इन टू देयर हाउसेज एंड दे केम टू नो उस समय कि हमारे लिए इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिया फ्रीडम क्या होता है, isn't it? So now in the session of COVID, they understood कि अब हमारे को जो राइट मिला है फ्रीडम हर चीज़ की, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस आर देयर, दे आर हैविंग दिस सिनेप्लेक्स है, पी वी आर है, सब कुछ है, बट दे कुड नॉट गो एंड दे कुड नॉट एन्जॉय, एम्यूजमेंट पार्क्स आर देयर, वो जाके खेल ही नहीं सकते हैं, गार्डन से स्कूल्स आर देयर लेकिन दे कैन नॉट कम टू द स्कूल्स, हमारे आस पास नेबरहुड है, एवरी थिंग इज देयर, दे कैन नॉट अवेल ऑल दीज फैसिलिटीज। तो एक्चुअल मीन्स वॉट आई थिंक इज जो हमारा
कैंपेन वॉज ऑल्सो देयर जो अमृत महोत्सव हमारा रहा, और ये इस समय लोगों को वास्तव में एक फ्रीडम की और फ्रीडम फाइटर्स की आई थिंक वैल्यू इनको समझ में आई. एंड नो डाउट व्हेन दे आर नाउ कमिंग टू स्कूल, एक्चुअली देखा जाए तो इनका जो पुराना एक ग्राफ जो था, जो कि अपन कहते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, बट ड्यूरिंग द कोविड टाइम जब इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली, एंड एज आई टोल्ड यू, ब्रेन ऑफ सिटी के एग्जाम के बाद विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तत्पर होंगे, ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं. ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट.